गो ग्रीन चैनल पे आप लोगों को सबका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने आया हूँ खातिमो नाम, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स ने और मेरे फ्रेंड्स जो है उन लोगों ने पूछा कि खातिमो नाम का टेस्ट कैसे होता है, वो आप एक बार दिखाइए। तो मैं आज आप लोगों को पूरा पका हुआ आम काट के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना टेस्ट होता है और उसका शेप कैसा होता है। मैं पूरा आप लोगों को वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग वीडियो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को अभी पता है आम का सीज़न जो है, लोकल आम जो होता है, हम लोगों का नॉर्मल आम जो होता है, हार्वेस्टिंग का सीज़न अभी ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरे यहाँ पर आप लोग देखिए, अभी यहाँ पर तीन चार साइज़ का आम आप लोगों को दिखेगा। ये सेकंड टाइम जो फ्रूट आया है वो वाला आम ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये खातिमो नाम ही है और ये एक साल का पेड़ है। यहाँ पे बहुत सारे छोटा छोटा आम भी है, इसमें देखिए आप लोग। जैसे कि आम का सीज़न तो अभी लोकल आम जो है उसका सीज़न ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये वाला अभी भी मेरे जो छोटा सा पेड़ है इसमें अभी भी फ्रूट आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो। खातिमो नाम का जो पेड़ है इसमें 12 महीना फ्रूटिंग आता है। तो इसमें सरफा साइज़ का आम आप लोग को दिखेगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लावरिंग भी है, अभी इसमें फ्लावरिंग भी आ रहे हैं, फ्रूट्स भी आ रहे हैं। इस साइज़ को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आम भी है। तो गाइस ये है खातिमो नाम जो पका हुआ है, ये आपने देखा अभी टूट चुका है, मतलब कि हार्वेस्टिंग का पूरा ये हुआ है, हार्वेस्ट करने का पूरा टाइम आ चुका है। तो मैं आप लोगों को आज ये टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये कितना टेस्ट कितना होता है, कैसा होता है। अभी भी ये पहले सीजन पे जो फ्रूटिंग आया है वो वाला अभी हार्वेस्ट करने की समय आ चुका है, लेकिन अभी दूसरे सीज़न पर भी फ्रूट्स आया है, मैं आप लोग को वीडियो में डाल दूँगा, वो आप लोग देखिएगा। और सेकेंड टाइम दूसरे सीज़न पे भी फ्रूट आया है और थर्ड टाइम भी आएगा। अभी भी सेकंड टाइम पे जो फ्रूट आया है उसमें अभी भी फ्लावरिंग है, अभी भी फ्रूट्स निकल रहे हैं। तो थर्ड सीज़न में ये जब हार्वेस्टिंग की सीज़न धीरे धीरे आने का समय होगा तब जाके और भी फ्लावरिंग आएगा, उनमें से भी फ्रूट निकलेगा, मतलब कि आपको पूरा 12 महीने तक आपको फ्रूट मिलेगा। तो आज दोस्तों देखते हैं ये इस आम का टेस्ट कैसे होते हैं, वो मैं आपको पूरा काट के दिखाऊँगा। और एक बार दोस्तों, इस आम का खूबी ऐसा है कि ये जो आम होते हैं, आम्रपाली आम जो होता है, आम्रपाली आम की जैसा नहीं होता है। आम्रपाली आम को तो आप मतलब कि हार्वेस्ट करने का सीज़न कब आता है ये नहीं पता चलता है, क्योंकि उसमें कलर नहीं आता है। जब पका हुआ होता है, हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है तो इसमें रेड कलर नहीं होता है आम्रपाली, आपको ग्रीन कलर मतलब ग्रीन शेप में जब रहता है उसी टाइम पे आपको हार्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब 2-3 हफ्ते तक आप लोगों को स्टॉक में रखना पड़ता है, तब जाके टेस्ट करने का मतलब पूरा मैच्योर होता है। तो ये जो खातिमो नाम है वो आप पूरा पेड़ में ही पका हुआ आम पूरा हार्वेस्ट करने का सीजन तक आप इसको पेड़ में लगा के रख सकते हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज मैं पूरा एक आम खाद के आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसमें टेस्ट कैसा आता है मैं आप लोग को बताऊँगा। टेस्ट बहुत बढ़िया है दोस्तों, और ये देखते हैं सीट कितना बड़ा होता है वो भी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सीट बहुत ही छोटा है और मैं पूरा काट के दिखाती हूँ दोस्तों।
यह है दोस्तों सीट। आम जो है, आम का साइज़ आपको वाला ही छोटा देके, लेकिन इसमें आपको खाने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो सीट होते हैं बहुत ही छोटा होते हैं और साइज़ में बहुत छोटा साइज़ के होते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो रिव्यू है, आप लोग खाटीमुन आम की खेती कर सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी है और सीट भी छोटा है। और सबसे बड़ी बात, ये पैर में ही पका हुआ आपको मिलेगा। तो आप लोगों को अगर खाटीमुन आम की खेती करना है, ज़रूर कीजिए। ये फाइनेंशियली कोई भी किसान भाई, कोई भी अनएम्प्लॉय यूथ जो भी है, उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक तो आपको 12 महीना तक फ्रूट्स मिलेगा, जबकि आम का सीज़न पूरा ख़त्म होगा तब जाके भी आप मार्केट में आम दे सकते हो, प्रोडक्शन करके आप मार्केट में सेल कर सकते हो।